हाँ मिस्टर पाटिल जी जी, आपका ऑर्डर टाइम पे डिलीवर हो जाएगा। जी मिस्टर पाटिल, मैं एक बार फिर से चेक कर लूंगा। क्या क्या गलती हो गई मेरे से पार, तो तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है। ऋषभ क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? अब तुम्हें जबरदस्ती जागृत से शादी करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझसे प्यार करते हो और तुमने मुझे बता दिया, तुम्हारा और मेरा रिश्ता बन चुका है। ऋषभ प्लीज मुझसे बात कीजिए, आपकी ये खामोशी मुझे और ज्यादा परेशान कर रही है। जागृति, कल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? क्या हुआ कल? कल हमारी शादी पक्की होने की खुशी में मैंने स्वीट्स खाए और उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं अपने होश में ही नहीं था और मेरे कदम बहक गए। मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे उसके साथ नहीं करना चाहिए था। अब मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। नहीं लो, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा लेकिन यही मेरी सजा है। मैंने जो किया उसके बाद तुमसे शादी करके मैं तुम्हें सारी जिंदगी दुख नहीं देना चाहता। बहुत अच्छी हो जागृति। और आज का सच ये है कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं रहा। आज से हमारे सारे रिश्ते खत्म। आज के बाद हम एक दूसरे को कॉल नहीं करेंगे। ऋषभ और जागृति का रिश्ता पक्का हुआ। उन्हीं काकी ने पूजा करने का आइडिया देकर हम सबका टेंशन दूर कर दिया। आई एम श्योर इससे नैनी का मन हल्का हो जाएगा और उसे बुरे सपने आने भी बंद हो जाएंगे। मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि बुरे सपने वाली बात उसने सिर्फ सबकी हमदर्दी पाने के लिए की थी। देखा नहीं निशा कैसे खड़ी थी? तुम्हारे कहने पर मैं उसके कमरे में चली गई, फिर मैंने नेक्स्ट डे दादी जी को सब कुछ बता दिया। मैं नहीं चाहती थी कि इस बात का असर हमारे होने वाले बच्चे पर पड़े। मुझे बस हमारे होने वाले बच्चे की चिंता है। मेरा दिल कह रहा है कि डैनी ऐसी चाल नहीं चल सकती। वो झूठ नहीं कह रही थी, वो सच में डरी हुई थी। बात? क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं, चलें। I love you. I love you too. बेटा पूजा के मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, ये लोग इतना लेट क्यों कर रहे हैं? हमने सारी तैयारियां कर ली हैं पूजा की। जी जी जी, बस बस निकल रहे हैं हम। प्यारे लाल इसे भी रखो, लेकिन संभल के इसमें गुरुजी का चढ़ावा है। हाँ इंदु बैठो गाड़ी में। शौर्वरी बहू जी, ये टैनी कहाँ है जिसके लिए सारी पूजा हो रही है? उसे जल्दी बुला के लाओ, उसे बोलो पूजा का समय निकला जा रहा है। जी अच्छा किया तो दादी जी के कहने पे नहा लिया। ऐसा लग रहा है पानी के साथ आधा बोझ भेग गया। अभी जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं। अभी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं ना, तो खुशी खुशी जाना चाहिए। दरवाजा बाहर से बंद है, लगता है टेनी नहीं अंदर। क्या हुआ शौर्वरी बहू? उसका कमरा बंद था,
शायद वो आगे वाली गाड़ी में निकल गई। हाँ तो ठीक है, फिर हम भी निकलते हैं। हाँ हाँ चल चल बैठ। बा उभारो उभारो बा, मैं भी आ रही हूँ। अरे मुझे भी होने वाले बच्चे की पूजा में आना है। हाँ तो चल ना, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। अरे वाह, तुमने देख तेरी मम्मी कितनी सुंदर लग रही है। अब जल्दी जल्दी पूजा के लिए निकलते, नहीं तो सब बोलेंगे जिनके लिए पूजा रखी है वो आए नहीं। चल दरवाजे किससे बंद हो गया? क्या हो गया टेनी, आज तो तेरे साथ सोने पे सुहागा हो गया। एक तो तू बाहर से बंद हो गई, ऊपर से तेरे पास तेरा फोन भी नहीं। अब तू करेगी तो क्या करेगी? तू क्या दांत निकाल निकाल के हंस रहा है? ये जो कुछ भी हुआ है ना, सब तेरी वजह से हुआ। क्यों हमसे बात नहीं कर रहा था? अगर तुमसे बात कर रहा होता तो एक बार आके देखता तो कि टेनी तुम अंदर ही हो कि तुम निकल गए। अब हम यहाँ पे अकेले बंद हो गए ना। तू देख, जब तू आएगा ना तो टुन्नू और मैं दोनों तेरे से बात नहीं करेंगे, समझा? बाकी परिवार वाले नहीं आए? बस आते ही होंगे। पूरा परिवार आपका आशीर्वाद देने आया है गुरुजी। आइए विराजिए। चौधरी बहू, यहाँ तो टैनी कहीं नहीं दिखाई दे रही। तुमने तो कहा था कि इन लोगों के साथ आगे वाली गाड़ी में आ गई है। दादी जी, जब मैं उसके कमरे में उसे बुलाने गई तो उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, इसलिए मुझे लगा कि वो माँ के साथ वाली गाड़ी में आ गई होगी। अपनी लापरवाही को ढकने की कोशिश मत करो। अगर दरवाजा बंद था तो एक बार खोलकर देखना चाहिए था। एक काम ढंग से नहीं कर सकती हो। तुमने देखा क्यों नहीं? माँ वैसे ही लेट हो रहा था और उसका कमरा बंद था, तो इसलिए मुझे लगा कि वो आपके साथ आ गई होगी, इसलिए मैंने खोलकर नहीं देखा दरवाजा। सत्यानाश, हे महाराज श्रीनाथ जी, देखिए ना बा, जिसके लिए इतनी हाई तौबा मचाई, इतना बड़ा हवन रखा और उसी को घर छोड़कर आ गए। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। नहीं पार्थ, अब जानने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जब तक आप आओगे मुहूर्त निकल जाएगा और मुहूर्त के बिना पूजा करना निरर्थक होता है। लेकिन गुरुजी, ये पूजा तो टैनी और आने वाले बच्चे के लिए ही है। अब अगर वो दोनों इस पूजा में ना रहे तो पूजा में और देर करने में कोई समझदारी नहीं। मंत्रों का उच्चारण बच्चे और बालिका के नाम से किया जा रहा है, भले ही वो यहाँ उपस्थित ना हो, मंत्रों का असर उन दोनों पर होगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द पूजा शुरू कर देनी चाहिए। गुरुजी ठीक कह रहे हैं पार्थ, हमें पूजा शुरू करनी चाहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्वकारेषु सर्वदा।
भी नहीं जाना। अब देख भगवान जी ने दे दिया प्रसाद, तेरे को बंद कर दिया यहाँ पे अकेला। अगर मेरा मन बेचैन है, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तेरे ठीक नहीं है। अब मैं माता जी, ये बत्ती को बेअबी जाना था क्या? और बुरा क्या? आ बिल्लू लात क्यों मार रहा है? अरे मेरे को मालूम है कि तेरे को अंधेरे से डर लगता है, पर तू डर नहीं, तेरी मम्मी है ना, मैं भी कुछ करती हूँ। हाँ मैं मोमबत्ती जलाती हूँ। माचिस माचिस माचिस। से बंद था, कहीं ऐसा तो नहीं कि टैनी कमरे में ही आऊं और किसी ने गलती से दरवाजा बंद कर दिया हो। ये तो मेरे फोन की आवाज है, बाहर से कैसे आ रही है? ये डैनी फोन क्यों नहीं उठा रही? पर ये फोन बाहर कैसे गया? मैंने तो बिस्तर पे रखा था, पेड़ लग गए इसके भी। पक्का पार्वती फोन कर रहा होगा। अभी क्यों फोन कर रहे तू? अभी याद है जिसके लिए पूजा रखी है वो तो यहाँ घर में बंद हो गई है। मुझे खुद जाकर देखना चाहिए।
इलाज तो नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो? कुछ नहीं हुआ तुम्हें? सब जी कुछ नहीं हुआ है, मैं आ गया हूं ना। तुम्हें काम करो, तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूं तुम्हारे। तड़प तो कोई तुम दोनों से सीखे। ना तुम्हें चैन है ना इसे आराम। पार्थ, आज तुमने मेरे भरोसे को झूठ और शक को सच साबित कर दिया, और ये साफ है कि तुम्हारे और टेनी के बीच एक घटिया नाजायज रिश्ता पल रहा है। शौफरी, ये तुम क्या कह रही हो? टेनी कमरे में बंद हो गई थी और शौर्फी, तुम गलत सोच रही हो। मैं गलत सोच रही हूँ और टेनी सही। वाह टेनी वाह, आखिर साबित हो गया। शराब के ठेके पर फेंके गए गजरे के फूलों को भगवान को कभी नहीं चढ़ाया जा सकता। पूरी दुनिया को जुटलाकर मैंने तुम्हें अपने बच्चे के लिए चुना, एक नई जिंदगी दी जिसके लायक भी नहीं होते, और तुमने क्या किया? बहन बोलती हो ना तुम मुझे, और मेरे ही पति को छीनकर मेरा ही घर बर्बाद करने पर उतर आई। आखिर दिखा दी ना तुमने अपनी बाजारू औकात।